दिन से चलता, आपके गली या मोहल्ले में कोई ना कोई तो जरूर होगा जो कि इसके तरह गुटखा खाता होगा। तो चलिए इसे पूछते हैं, गुटखा आखिरकार है क्या जो ये इतना मजे से खा, चल बोल गुटखा क्यों खाता है? आपका देखिए खुद जान जाइएगा। देख ज़्यादा फालतू मत बोल, जितना पूछा है उतना बता। मैंने सुना इसे भी कैंसर भी होता है। नहीं नहीं, इसे कोई भी कैंसर नहीं होता, इसे फिर बेकार की बात है। अभी कैंसर होता तो मेरे को नहीं होता कैंसर, मैं तो लगभग 10 साल से खा रहा हूँ तो मेरे को कैंसर नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अभी तुमने ये पौधे पे थूका, इसका क्या मतलब है? इस पे थूकने से पौधा के लिए खाद की तरह काम करता है। ये खाद की तरह काम करता, ज़्यादा पढ़ लिया का, खाद की तरह काम करता है। तुम लोग ऐसे ही करके पूरा पेड़ पौधे को ख़त्म कर रहे हो धीरे धीरे करके। आपने मुझे मारा, आपको पता नहीं है कि मेरा पहुँच कहाँ तक है। रुको मैं बताता हूँ। चलिए जरा रो मत, मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि जब तुम लोग गुटखा खाकर थूकते हो पौधों पे तो क्या असर होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया एक छोटा सा पौधा जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया था इसमें, और ये अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने एक गुटखा को ले लिया है और यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक के गिलास में पानी को ले लिया है और इस गुटखे को इसमें घोर लेना है। कुछ इस प्रकार से आप खोल के गुटखे को कुछ इस प्रकार से पानी में डाल देना है और इसे अच्छी तरह से किसी चीज़ से मिला देना है ताकि अच्छी तरह से मिल जाए। आप देख सकते हो ये गुटखा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि इस गुटखे को इस पौधे में कुछ इस प्रकार से डाल देना है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छी तरह से डाल दिया है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी एक पत्ती को काट लेते हैं कुछ इस प्रकार से और इस पत्ती को इस गुटके वाले पानी में डाल देते हैं। फिर देखते हैं कि इन दोनों का 48 घंटे के बाद क्या हाल होता है। तो यहाँ पर 48 घंटे के लिए इसे छोड़ देता हूँ। 2000 years later। तो यहाँ पर 48 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का हाल हो चुका है यहाँ पर पौधे का, देख सकते हो आप। और इसका जो पानी था वो पूरा तरह से रेड हो चुका है, आप देख सकते हो। और इसकी पत्ती भी थोड़ा थोड़ा मुरझा चुकी है। मुझे तो लगता है 2-3 दिन इसे छोड़ देंगे तो यह पूरा तरह से सूख जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये दिखा देता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस पत्ते का क्या हाल हुआ है जो कि मैंने इस गुटके में डाल रखा था। और आप देख सकते हो यह पूरा तरह से एकदम अजीब सा कलर हो चुका है। और आप देख सकते हो पत्ती को तो ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन यह पहले की तरह नहीं है। थैंक यू भाई, आपने मेरे को नज़र खोल दिया, मैं कभी थूकने नहीं दूंगा गुटके बाद। तो क्यों, देखा ना, तुम लोग जो गुटका खाकर छोटे छोटे पौधे पर फेंक देते हो उसके बाद 2-3 दिन में वो पौधा मर जाता है। तो कृपया करके ऐसा मत करा करो। और आप लोगों से भी गुजारिश है, आप लोग भी गुटखा खाकर छोटे छोटे पौधों पे मत भीगे, नहीं तो यह पौधा मर भी सकता है। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।